are expecting their baby soon or whose babies are born in September. I am astrologer and tarot card reader Pooja Bhatia और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि September born babies की क्या खासियत होती है. September born babies का zodiac sign Virgo और Libra होता है. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सितंबर में पैदा होने वाले बच्चे परफेक्शनिस्ट होते हैं और वो जब भी कोई काम अपने हाथ में लेते हैं तो उसे पूरी परफेक्शन के साथ ख़त्म करते हैं. ये बच्चे बहुत ही मेहनती और पीसफुल होते हैं और साथ ही काफ़ी क्रिएटिव भी होते हैं. ये बच्चे बहुत ही डिप्लोमेटिक होते हैं जो बड़े ही प्यार से सामने वाले से अपनी बात कह भी देते हैं और कन्विंस भी कर लेते हैं. कोई भी मुश्किल सिचुएशन हो तो ये बच्चे काफ़ी शांत रहते हैं और अपना धैर्य नहीं खोते हैं. सितंबर बॉर्न बेबीज रूटीन लाइफ से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं. खुद को एनर्जाइज करने के लिए ये नेचर के करीब रहना पसंद करते हैं. ये बच्चे खाने पीने के काफ़ी शौकीन होते हैं और सब कुछ खाना पसंद करते हैं. ऐसे बच्चों को ट्रैवलिंग के दौरान कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि ये जगह के मुताबिक जो भी मिले खा लेते हैं. ट्रैवल करना इन्हें काफ़ी पसंद होता है. नई नई जगह देखना इन्हें पसंद होता है और जब भी मौका मिले वो अपना बैग उठाकर घूमने निकल जाते हैं. सितंबर बॉर्न बेबीज की यदि हम हेल्थ की बात करें तो ये बेबीज कंपैरेटिवली लो वेट होते हैं, इसलिए मॉमीज को इनके खाने पीने और वेट गेन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूमरोलॉजी बर्थ डेट. जो बच्चे नंबर वन होते हैं यानी कि सितंबर की 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा हुए हों, ऐसे बच्चे बहुत ही पॉजिटिव, इनोवेटिव और स्ट्रांग होते हैं. जो बच्चे नंबर टू होते हैं यानी कि जो 2nd, 11th, 28th या 29th को पैदा होते हैं, ऐसे बच्चे बहुत ही सेंसुअल, ग्रेसफुल, लॉयल और अंडरस्टैंडिंग होते हैं. जो बच्चे नंबर थ्री होते हैं यानी कि नंबर थ्री यानी कि 3rd, 12th, 21st और 30th को पैदा होते हैं, ऐसे बच्चे नॉलेज सीकर्स होते हैं. नंबर फोर बेबीज बहुत डिटर्मिन, सीरियस, प्रैक्टिकल होते हैं. जो बच्चे 5th, 14th या 23rd को पैदा होते हैं, ऐसे बच्चे फुल ऑफ एनर्जी होते हैं और काफ़ी क्रिएटिव होते हैं. नंबर सिक्स बेबीज यानी कि 6th, 15th और 24th को जो बेबीज़ पैदा होते हैं बहुत ही आर्टिस्टिक और क्रिएटिव होते हैं. ये हर चीज़ को बहुत इन्जॉय करते हैं. नंबर सेवन बेबीज़ जो 7th, 16th और 25th को पैदा होते हैं, ये काफ़ी इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं और हर चीज़ को बहुत ही माइन्यूटली एनालाइज करते हैं. नंबर एट बेबीज़ यानी कि 8th, 17th और 26th को पैदा होने वाले बच्चे काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड, रिलायबल, डिसिप्लिन्ड और एम्बिशियस होते हैं. नंबर नाइन बेबीज़ जो 9th, 18th और 27th को पैदा होते हैं, ये नेचुरल लीडर्स होते हैं. अगर आपका बेबी बॉय है और वो सितंबर में पैदा हुआ है या पैदा होने वाला है तो इनके आसपास के लोगों को लगता है कि ये बहुत शांत और रिजर्व हैं, जबकि इनका ये नेचर लोगों को ऑब्जर्व करने के खूब काम आता है. इनका दिमाग काफ़ी शार्प होता है और इनके पास हर समस्या का हल होता है. सितंबर में पैदा होने वाले बच्चे अच्छे राइटर्स और कम्युनिकेटर्स और बैंकर्स होते हैं. बेबी गर्ल्स की यदि हम बात करें तो सितंबर के महीने में पैदा होने वाली गर्ल्स काफ़ी इमोशनल, रोमांटिक और प्रैक्टिकल होती है. इन तीनों क्वालिटीज़ का जबरदस्त कॉम्बिनेशन सितंबर बॉर्न बेबी गर्ल्स होती हैं. सितंबर बॉर्न बेबी गर्ल्स मीडिया, कंटेंट राइटिंग, मार्केटिंग जैसे फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल रहती है. आइए अब बात करते हैं व्हाट्स लकी फॉर देम. सितंबर बेबीज़ का लकी नंबर होता है 7, 9 एंड 3. लकी कलर होता है ब्लैक, सी ग्रीन और गोल्डन. फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट सितंबर बॉर्न बेबीज. होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव. कीप वॉचिंग आर नेक्स्ट वीडियो फॉर अक्टूबर बॉर्न बेबीज एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.